नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड अलग राज्य के मुद्दे के साथ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पुनः लंबे समय के बाद पूर्व मंत्री ने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आए हमीरपुर जिले के मौदाहा विकास खंड के गुढ़ा में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही राजनीतिक में एंट्री मारने वाले बादशाह ने मौदाहा विधानसभा क्षेत्र से कई बार जीत दर्ज की और मंत्री भी बनाए गए, लेकिन इन्हीं के जनप्रतिनिधि होने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के कुछ गाँव को महोबा में जोड़े जाने के चलते मौदाहा विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया और मौदाहा विधानसभा हमीरपुर सदर में समाहित कर दी गई, जिसके चलते बादशाह सिंह ने हमीरपुर के बजाय महोबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। अब कयास लगाया जा रहा है कि अलग बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे को लेकर बादशाह सिंह अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन तलाश कर एक बार फिर इस क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। जब से उत्तराखंड राज्य बन गया, अब नेट में भी हमारे पढ़े लिखे लड़के देख रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो गई, वो आत्मनिर्भर हो गए, मांगने की उनकी जरूरत खत्म हो गई, झाड़ क्यों ना उनकी आर्थिक आय हो गई तेलंगाना की, आप देख लो उसके राज्य बनने से पहले। तो जब आपका राज्य होगा, आपका हाई कोर्ट होगा, आपका योजना आयोग होगा, आपका नौकरियों में कोटा होगा और आपके पास हीरा है, आपके पास लोहा है, आपके पास चूना है, आपके पास डोलोमाइट है, आपके पास गोरा पत्थर है, आपके पास अल्मोनियम है, आपके पास गिट्टी है, आपके पास बालू है, दुनिया के जाने माने पर्यटक स्थल हैं, कालिंजर से लेके खजराहा तक। मेरे जो मध्य प्रदेश का वो हमारा आश्रम है, उस जिस धरती में डी क्वालिटी का हीरा निकल रहा है, जो या तो गोलकोंडा की खदान में है या हमारे यहाँ छतरपुर की बक्सवा की खदान में निकला है, वहाँ का आदमी दिल्ली क्यों जा रहा है, पंजाब क्यों जा रहा है। हम लोग जो 40,000 करोड़ रुपया सरकार को, केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स में देते हैं, हमको क्या मिल रहा है उसके बदले, 200 करोड़, 150 करोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।